दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अप्रैल 2021, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और गर्मी आते ही आग लगी और लू की आहट के बीच अब बिहार में बाढ़ की सालाना आशंका भी गहराता दिख रही है। ये जून में बाढ़ की आशंका को देखते हुए नीतीश कुमार की सरकार अभी से ही इससे बचाव की तैयारी में जुट गई है। यह इस कड़ी में सबसे पहले बाढ़ ग्रस्त 10 जिलों में बाढ़ आश्रय स्थलों का ब्यौरा तलब किया गया है। यह भवन निर्माण विभाग ने संबंधित जिलों के भवन प्रमंडलों से जुड़े कार्यपालक अभियंताओं को 3 दिनों की मोहलत देकर यह जानकारी तलब की है। भवन निर्माण विभाग ने हर साल बाढ़ प्रभावित होने वाले अररिया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, पूर्णिया, बेतिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में 2018 में बाढ़ आश्रय स्थल बनाने की योजना स्वीकार की थी। प्रत्येक जिले के 10-10 पंचायतों में ऐसे आश्रय स्थल बनाए जाने थे। जी कुछ जिलों में ये कार्य आज भी चल रहा है। जी बाढ़ अभी दूर है लेकिन इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। बाढ़ आश्रय स्थलों का ब्यौरा मांगा जाना इसी की कड़ी है। आगे राहत और बचाव कार्यों की भी तैयारी की जानी है। दोस्तों होली पर्व के बाद व्यापारियों ने खाद्य तेलों की कीमतों में कमी के आस लगाए बैठे थे, हालांकि त्योहार की बीत जाने पर भी इसके दाम उल्टा हो गया है। जी हां, इस सप्ताह 2 दिनों में खाद्य तेलों की थोक कीमतों में 2 से 3 रुपए किलो तक की वृद्धि हुई है। इससे आम लोगों की जेब अब अधिक ढीली होगी। मंगलवार को सरसों के तेल, सोयाबीन, फॉर्चून यानी कि रिफाइंड और पामोलिन की कीमतों में 15 रुपए टीन की वृद्धि हुई थी। बुधवार को दामों में 15 से लेकर 25 रुपए की और बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को सरसों के तेल का थोक रेट 2215 रुपए 15 किलो के टीन, ये सोयाबीन फॉर्चून यानी कि रिफाइंड का दाम 2115 रुपए 15 लीटर टीन और पामोलिन का मूल्य 2015 रुपए 15 किलो टीन था, जो कि बुधवार को बरकरार दाम 2240, 2140 और 2030 रुपए हो गया था। इससे फुटक्कर दाम में और तेजी के आसार हैं। जी फिलहाल अभी फुटक्कर में सरसों के तेल का दाम 145 से 150 रुपए किलो, रिफाइंड 135 से 140 रुपए लीटर और पामोलिन 125 से 130 रुपए किलो है। दोस्तों बिहार के मधुबनी हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू के द्वारा पुलिस प्रशासन के लापरवाही के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने मंत्री को धन्यवाद दिया है। यह जिसको लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू का बयान सामने आया है। जी उन्होंने कहा कि मधुबनी की घटना बेहद ही दुखद है। मधुबनी जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग हरकत में आए और अविलंब मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह मामला बहुत ही गंभीर है। मंत्री नीरज कुमार उर्फ बबलू ने कहा कि पक्ष और विपक्ष के लोग सब अपना काम करते हैं, अगर कहीं घटना घटती है तो फिर सब लोग जाते हैं, अपने अपने तरह से सब अपनी बात रखते हैं। सरकार काम कर रही है, प्रशासन भी अच्छे से अपना काम कर रही है, जल्द ही मामले में संलिप्त और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। तेजस्वी यादव का आरोप है कि रावण सेना चलाने वाले प्रवीण झा को पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा का संरक्षण मिला हुआ है। दोस्तों माह रमजान मजहब इस्लाम का 9वां महीना अगले हफ्ते 13 या फिर 14 अप्रैल से शुरू होगा। जी मंगलवार को दरगाह आला हजरत के प्रमुख मौलाना सुभान रजा खान ने रमजान माह का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में रमजान की जंतरी के साथ मुसलमानों के साल भर में होने वाले त्योहार और देश भर में होने वाले उर्स की तारीख बताई गई है। इस मौके पर दरगाह प्रमुख हजरत सुभानी मियां ने दुनिया भर से कोरोना जैसी बीमारी के खात्मे की दुआ की। उनका कहना है कि ये रमजान सभी के लिए खैर हो, आफियत और फिर सलामती को लेकर आए हैं। ये जो लोग पिछले रमजान में कोरोना की वजह से मुकम्मल तौर पर इबादत नहीं कर पाए, वे लोग इस साल खूब अपने रब को राजी करने के लिए रोजा रखें और नमाज तरावी और फिर कुरान की इबादत करें। दोस्तों बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी हां, राज्य के कुछ जिलों में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हर दिन नए नए इलाकों से कोरोना के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। ये पॉजिटिव केस मिलने से लोगों की टेंशन बढ़ती ही जा रही है तथा लोग डरा हुआ महसूस करने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को 5 माह बाद सर्वाधिक 1080 कोरोना के संक्रमित की पहचान की गई। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को दूर करने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग कई तरीके के बड़े कदम उठा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिससे बिहार
के 23 जिलों में कोरोना बेकाबू हो गया है। जी हाँ, जिसमें से भागलपुर में 61, मुजफ्फरपुर में 60, जहानाबाद में 54, गया में 41, रोहतास में 23, औरंगाबाद में 21, बक्सर में 12, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 16, किशनगंज में 14, मुंगेर में 18, नालंदा में 20, पूर्णिया में 16, सारण में 11, शेखपुरा में 14, सीवान में 11, वैशाली में 17, पश्चिमी चंपारण में 18, अररिया में 12, नवादा में 13, गोपालगंज और जमुई में 10-10 पॉजिटिव मरीज हैं। दोस्तों, कहावत है कि अगर जज्बा हो तो फिर कोई भी काम मुश्किल से आसान हो जाता है। यह इसे साबित कर दिखाया है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बोनहा के रहने वाले अबुलेश ने। जी, पिछले साल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में उनको लगा था कि जिंदगी अब ठहर जाएगी। नौकरी छूटने के बाद वे जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग से अपनी गृह जिला पश्चिमी चंपारण लौट आए थे। जी, उन्हें लगा था कि अब क्या होगा, लेकिन इनके हाथ में बल्ला यानी कि बैट बनाने के हुनर से आशा भी थी कुछ अच्छा होगा। जब वो यहाँ लौट आए तो फिर उनके हुनर को जिला प्रशासन ने पहचाना और अब तो उनके द्वारा यहाँ बनाए गए कश्मीरी विलो बैट की मांग अन्य शहरों में हो रही है। जी, पश्चिमी चंपारण में डब्ल्यूसी के स्टिकर लगे बैट से कई मैदानों में छक्के लग रहे हैं। जी, ये कहानी केवल अबुलेश की नहीं है, साथ ही लाल बाबू भी अनंतनाग में बल्ला बनाने का काम करते थे और आज वे भी अपने गृह जिला में मजदूर से उद्यमी बन गए हैं। जी, ऐसे हुनरमंद के हाथ में हुनर था, बस बिहार में मदद की आवश्यकता थी। जिला प्रशासन ने इन्हें मदद करने की ठानी और फिर बैट बनाने में उपयोग होने वाले प्रारंभिक मशीनों और फिर औजारों को उपलब्ध कराया। जिला पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार बताते हैं कि बल्ला बनाने के लिए बेसिक सामान्य मशीन और औजार उन्हें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। यह तथा बैंक द्वारा ऋण भी दिलवा दिया गया। जी, अब ये खुद काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हुनरमंद कारीगर पहले अनंतनाग में बल्ला बनाने का काम करते थे, इस कारण वे बड़ी आसानी से वहां से ही इस बल्ले बनाने के उपयोग होने वाले लकड़ी ले आते हैं। इस बल्ले में उपयोग होने वाली लकड़ी कश्मीर और मेरठ में मिलती है। जिला अधिकारी बताते हैं कि अब तक अबुलेश 1600 बैट बेच चुका है। उन्होंने कहा कि अभी भी यहां बैट बनाने वाले लोगों के पास 2500 बैट के ऑर्डर हैं। इनके बनाए गए बैट के लिए कई कंपनियां भी खरीदने के लिए इच्छुक है, जिससे बातचीत चल रही है। जी, उन्होंने कहा कि ये कई अन्य तरह के भी बल्ले बना रहे हैं। ठीक एक साल पहले लॉकडाउन के शुरुआती के दिनों में प्रवासी मजदूरों के दर्द का गवाह पूरा देश बना था। जी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग अपने गांव तक हजारों किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करके पहुंचे थे। जी, कोई पैदल ही बीवी बच्चों और फिर बुजुर्गों के साथ लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा था। दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में लोग मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह पर ज्यादा समय दे रहे हैं। स्मार्टफोन में तो पूरी दुनिया सिमट कर एक तरह से हमारी मुट्ठी में आ गई है। जी हाँ, मोबाइल और इंटरनेट पर बहुत सारी सूचनाएं तेजी से फैल रही है। सूचना सही हो तो अच्छी बात है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन वही सूचना गलत हो तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। गलत सूचना या भ्रामक जानकारी या फिर कोई अफवाह अगर तेजी से ज्यादा लोगों तक फैल जाए तो फिर सरकार और सिस्टम के लिए उनसे निपटना, खंडन और लोगों तक सही जानकारी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, अब देखे ना कि नोटबंदी हुए 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन उससे जुड़े हुए एक सूचना इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि नोटबंदी में बंद हुए 500,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये सुविधा विदेशी पर्यटक जैसे खास लोगों के लिए ही है। जी, गौर करने वाली बात यह है कि देश के केंद्रीय बैंक RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेटर हेड प्रारूप पर इस बारे में बकायदा टाइप इंफॉर्मेशन है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। RBI के तथा कथित लेटर हेड पर प्रकाशित सूची के मुताबिक साल 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान बंद हुई करेंसी नोटों को बदलवाने के लिए सरकार की ओर से एक और मौका दिया जा रहा है। जी हां, ये इसमें कहा गया है। यह इसमें कहा जा रहा है कि नोटबंदी में बंद हुए पुराने नोटों को बदलवाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। बाद में 500 के नए नोट जारी कर दिए गए, जबकि 1000 रुपए के नोट को बंद ही कर दिया गया। साल 2016 में 8 नवंबर की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए नोटबंदी की घोषणा की थी। जी, डीमोनेटाइजेशन की घोषणा करते हुए उन्होंने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करे जाने की बात कही थी। इसके बाद लोगों को एक लंबे समय तक नोट बदलवाने का मौका मिल गया था, मौका दिया गया था, लेकिन यह समय सीमा खत्म हुए सालों हो गए हैं। RBI की वेबसाइट खंगाल
निकालने पर नोट बदलवाने की समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में कोई नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस या फिर आदेश निर्देश नहीं मिले। जिस तरीके का लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वैसे कोई लेटर वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ऐसे में जाहिर है कि इस तरीके का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सरकारी सूचना एजेंसी PIB की एक फैक्ट चेक टीम है जो वायरल हो रहे अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के बारे में पड़ताल करती है और उस बारे में सरकार या फिर सिस्टम से जानकारी लेकर सच्चाई बताती है। जी हां, PIB फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे इस सूचना को फर्जी बताया है। जी हां, PIB ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वायरल हो रही सूचना फेक है, गलत है। यानी कि नोट बनने में बद हुए करेंसी नोटों को बदलवाने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। जहां तक विदेशी नागरिकों की बात है तो PIB ने अपने ट्वीट में बताया है कि विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नोटों को बदलवाने की समय सीमा साल 2017 में ही खत्म हो चुकी है। यह जाहिर है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटर फर्जी है। जी हां, देश में नोट बंदी इतिहास बन चुकी है और बंद हुए नोटों को बदलवाने की समय सीमा बढ़ाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह पड़ताल में यह दावा बिल्कुल फर्जी साबित पाया गया है। दोस्तों, बिहार के सभी प्रखंडों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। जी हाँ, यानी कि आप जिस भी प्रखंड में रहते हो वहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जो उन राज्यों से बिहार के लोगों के वापस आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था तैयार रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर काम करने का भी निर्देश पदाधिकारियों को दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले साल बड़ी संख्या में बिहार आने वालों को प्रखंडों में बने सेंटर पर रखा गया था। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और फिर कई दिशा निर्देश दिए। सभी जिलों के DM SP से भी उन्होंने फीडबैक लिया। 3 दिनों के अंदर कोरोना को लेकर उनकी ये दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की आबादी अधिक है, आने वाले चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि AES और जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी से बचाव को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। जी हां, मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के प्रति सभी सजग रहें, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और आपस में दूरी बनाकर रखें, हमेशा हाथ धोते रहें। दोस्तों, उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर 9-10 अप्रैल को हल्की बूंदाबूंदी के अनुमान है। जी, अगले 4 दिनों तक औसतन 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा तथा उसके बाद एक दिन पचे हवा चलने की संभावना है। जी, डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित मौसम कार्यालय के अनुसार मधुबनी और दरभंगा के 1-2 स्थानों पर 9 से 10 अप्रैल को हल्का बूंदाबूंदी हो सकती है। जी, इस अवधि में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। इसके कारण अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 9 से 10 अप्रैल को हल्की बूंदाबूंदी की संभावना को देखते हुए किसानों को गेहूं की कटनी, दौनी एवं दाने को सुखाने के कार्य में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह गर्मा मूंग तथा उड़द की बुआई प्राथमिकता देकर संपन्न करें। भिंडी की फसल में फल एवं परोवेदक कीट की निगरानी करें। प्याज फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर बढ़ते देखकर राज्यों में मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे ऐलान हो रहे हैं। जी, ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस पर एक पोस्ट किया और कहा कि किसी भी हालात में किसान आंदोलन नहीं रुकेगा, वे चलता रहेगा। जी, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बचा हुआ देश बेचने के लिए फिर से लॉकडाउन की तैयारी है। आंदोलन लॉकडाउन से समाप्त नहीं होगा, चाहे कोरोना आए या फिर उससे भी बड़ा कुछ और आए। इस बीच राकेश टिकैत ने एक पोस्ट और किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS द्वारा भी किसान विरोधी पूंजीवादी नीतियों का समर्थन चिंता का विषय है। आपका बेहतर राष्ट्र निर्माण का सपना किसानों, मजदूरों, युवाओं, दलितों, बुनकरों के बिना संभव नहीं है। एक अन्य ट्वीट में राकेश टिकैत ने कहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने हमारे हर एक प्रयास को छलनी किया है, नए बिल को पास करने के बाद बस नुकसान ही हुआ है। अमीर किसान अमीर ही हुए हैं और गरीब हो गए। अब ये वक्त है कि हम सभी को साथ खड़े होना है सरकार के खिलाफ, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी।
दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की पश्चिम बंगाल के हावड़ा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मुजफ्फर चौक में हो रही सभा में अचानक उस वक्त हंगामा मच गया जब सभा में उमर भरी भारी भीड़ के ऊपर कुछ पत्थर फेंके गए। शाहनवाज हुसैन ने सभा के ही दौरान मंच से ही कुछ ऐसे रोड़े दिखाए और कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपनी हार तय देखकर बौखला गए हैं, इस वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश हो रही है। बाद में उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने में भी दर्ज कराई। इससे पहले उन्हें बंगाल के कुछ हिस्से में चुनावी सभा करने से यह कहकर रोका गया कि उनके जाने से दंगा हो जाने की आशंका है। शाहनवाज हुसैन ने इसका भी पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि कश्मीर में उनकी चुनावी सभा से कोई अशांति नहीं हुई, लेकिन बंगाल की अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। जहां पत्थरों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया, इस बीच पत्थर फेंकने वालों की खोजबीन शुरू हो गई। जिस वक्त पत्थरबाजी हो रहा था उस वक्त शाहनवाज हुसैन सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि भाजपा की सभाओं में उमर रही भीड़ से टीएमसी घबरा गई है, टीएमसी के गुंडों ने पत्थरबाजी की और फिर हमारी सभा को व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडों से डरने वाले नहीं है। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं, जिन इन बदलावों के साथ वाहन चालकों को राहत मिल जाएगी। दरअसल अब ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। जी हां, मतलब अब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। जी हां, नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं होगी। दोस्तों बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा किया है। उत्तर बंगाल के कुछ बिहार में चुनाव प्रचार में उत्तरी ममता बनर्जी ने कहा है कि तीसरे चरण की वोटिंग के बाद हमें पूरा विश्वास है कि टीएमसी ही जीत रही है। बीजेपी स्टेडियम से बाहर हो रही है जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कुछ बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा पर भी हमला बोला। जी आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बिहार में जनसभा की थी और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बंगाल की जनता से अपील की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत का दावा किया था। जी आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर हमला बोला। जी ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ बिहार में हुए चुनाव के बाद विकास की बात कर रहे हैं मगर कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आरटीआई से भी उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता प्रियंद वदा तोमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी तोमर ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब राज्य में जल्द ही पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। यह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रता देव सिंह को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी नीत सरकार कृषि कानूनों के संबंध में किसानों की मांग को नजरअंदाज कर रही है, जो 4 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की किसान विरोधी नीति की वजह से ही उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने महिलाओं को भी नजरअंदाज किया है और उनकी आकांक्षाएं पूरी करने में भी नाकाम रही है। दोस्तों बिहार में घुसखोरी से आम आवाम त्रस्त हैं। सरकारी सिस्टम में नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन का बोलबाला है। यह सरकार दावे करती है कि भ्रष्टाचारियों पर प्रहार किया जा रहा है, रिश्वतखोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जा रही है। सुशासन की सरकार का यह दावा पूरी तरीके से खोखला है। यह सरकार ने घुसखोर सरकारी सेवकों को पकड़ने, जांच करने या फिर अकुल संपत्ति अर्जित करने वालों अधिकारियों कर्मियों पर कार्रवाई के लिए 2 खास यूनिट बनाया है। यह पहला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और दूसरा विशेष निगरानी इकाई। सुशासन की सरकार के दूसरे यूनिट के सुस्त होने से सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब कोई कार्रवाई नहीं करनी है तो फिर मतलब क्या है। नीतीश सरकार ने विशेष निगरानी इकाई की स्थापना बड़े घुसखोर अधिकारियों को पकड़ने, जो बड़े अधिकारी अवैध संपत्ति अर्जित कर रखे हैं उन पर एक्शन लेने के लिए बनाई थी, लेकिन विशेष निगरानी इकाई का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। यह ऐसा इसलिए क्योंकि इस यूनिट ने काफी समय से कोई कार्रवाई नहीं की है। यह निगरानी विभाग की जो सूची है उसके अनुसार विशेष निगरानी यूनिट ने 2019 के बाद कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। यह विशेष निगरानी इकाई ने साल 2018 में 2 बड़े कार्रवाई की थी, एक आईएएस अधिकारी दीपक आनंद पर और एक आईएपीएस अधिकारी विवेक कुमार पर। वही 2019 में एक केस दर्ज हुआ। 2019 में एसयूवी ने उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक संजय कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके छापेमारी की थी। यह 2019 के बाद सुशासन की सरकार की यह यूनिट पूरी तरीके से खामोश है। ऐसा नहीं कि बड़े अधिकारियों के
खिलाफ शिकायत नहीं मिलती है या फिर बिहार में राम राज्य आ गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी विशेष निगरानी इकाई ने 2 सालों में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। जी हां, निगरानी विभाग की तरफ से 31 दिसंबर 2020 तक के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार इस इकाई 2 सालों से पूरी तरीके से सोई हुई है। जी हां, विशेष निगरानी इकाई ने 2018 में 2 बड़ी कार्रवाई करके हलचल मचा दी थी। इसमें मुजफ्फरपुर के तत्कालीन SSP विवेक कुमार के खिलाफ केस दर्ज करके छापेमारी की थी। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, रेलवे बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। जी हां, ये ट्रेनें मुंबई से दरभंगा, पटना और गोरखपुर तथा पुणे से दानापुर के लिए चलाई जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और फिर लॉकडाउन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार और यूपी के अप्रवासियों को बीते 2 साल में लॉकडाउन के हालात की याद आने लगी है। जी हां, इनमें से जो वापस घर लौटना चाहते हैं उनके लिए रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये उनके लिए कुछ और ट्रेनें भी बढ़ाई गई है। कोरोना के संक्रमण के बाद लगाए गए लॉकडाउन के दौर से ही देश में नियमित ट्रेन सेवाएं पटरी पर नहीं लौट सकी है। हालांकि 10 अप्रैल से करीब 90% ट्रेनों के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार में अरवल का कुर्था थाना नंबर 1 बना है। जी हां, देश में थानों में किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को स्थान मिला है। जी हां, ADG KK सिंह ने बताया कि हर साल गृह मंत्रालय की ओर से देश के थानों की रैंकिंग की जाती है। इस बार देश के 16,000 थानों की रैंकिंग की गई थी। इसमें देश के टॉप 10 थानों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के अरवल जिले का एक थाना कुर्था भी है। जी हां, ADG ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से कुर्था थाना का प्रमाण पत्र दिया गया है। अब को DGP SK सिंगल कुर्ता थाना को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रमाण पत्र देंगे। जी इस दौरान सभी जिलों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी आपको बता दूं कि पिछले साल पहली बार राजगीर थाने को देश के टॉप 10 थानों में जगह मिली थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उतर रही है। जी हां, 3 चरणों के चुनाव के बाद पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये उम्मीदवार 10 अप्रैल को होने वाले 4th चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा जा रहा है कि AIMIM TMC की वोट में सेंध लगा सकती है। जी हां, दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इसकी भूमिका अहम हो जाती है। यह बिहार में 5 सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की थी। बीते कुछ महीनों में ओबीसी ने कई बार बंगाल का दौरा किया है। देश के अनेक सेक्युलर पार्टियां और मुसलमानों के अलग अलग समूह की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओबीसी BJP को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में जाते हैं। यह ओबीसी पर आरोप लग रहा है कि उनके चुनावी मैदान में होने से वोटों की ध्रुवीकरण होता है और जिसका नतीजा BJP को फायदा होता है। जी, पश्चिम बंगाल में TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री है। यह बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। 2016 विधानसभा चुनाव में TMC ने सबसे ज्यादा 211 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वही कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और BJP ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, बिहार में 1 अप्रैल से बिजली 5 से 35 पैसे तक प्रति यूनिट महंगी हो गई है। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 6,043 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। जी, इसके बाद बिजली कंपनियों ने जो टैरिफ जारी किया है उसके अनुसार गाँव से लेकर शहरी उपभोक्ताओं को बिजली के लिए 5 से 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक पैसे देने होंगे। जी, पिछले महीने विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली के दरों में 0.63% की बढ़ोतरी मंजूर की थी, जबकि सब्सिडी की दरें पिछले साल जितनी थी लगभग वही इस बार भी सभी श्रेणियों में रखी गई है। गरीब उपभोक्ताओं को 5 पैसे प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 5 पैसे से 10 पैसे, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक 5 पैसे प्रति यूनिट, 100 से 200 यूनिट तक 10 पैसे प्रति यूनिट और 200 से अधिक यूनिट के लिए 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक पैसे देने होंगे। दोस्तों, बिहार के 3 विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हां, बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती की जाएगी। अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो फिर आप इस भर्ती प्रक्रिया में नजर बनाए रखें। यह खबर के अनुसार मंगलवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में सरकार ने बिहार तत्कालीन सेवा आयोग में 28 पदों को सृजन किया है। वही बिहार सूचना आयोग में 3 पदों को मंजूरी दी है, जबकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 1 पद की स्वीकृति दी गई है। जी हां, बिहार तकनीकी सेवा आयोग
आयोग में राजस्व पत्र और राजपत्र में 28 पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार सूचना आयोग में 3 वाहन चालक के पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विधि पदाधिकारियों की 1 पद भरे जाएंगे। जी, अगर आप इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि इन पदों पर भर्ती को लेकर कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जारी किया जाएगा। दोस्तों, एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान को सीएम नीतीश कुमार ने तगड़ा झटका दिया है। जी हां, तगड़ा मतलब तगड़ा झटका दिया है। एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। बिहार विधानसभा में उन्हें बतौर जेडीयू विधायक दल के सदस्य मान्यता मिल गई है। जी, मंगलवार को विधानसभा से विलय की मान्यता मिलने के बाद राजकुमार सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग जाकर मुलाकात की और सीएम नीतीश कुमार समेत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह जेडीयू में उनका स्वागत किया। जहां राजकुमार सिंह ने जेडीयू में शामिल होते ही बिहार विधानसभा में जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है, जबकि चकाई से निर्दलीय जीती और सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह का भी समर्थन उसे प्राप्त है। इससे पहले बीएसपी के एकलौते विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए थे। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने आज कोरोना से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जी हां, बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने परिस्थितिकरण से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी दी। जी हां, इस जानकारी में कहा गया है कि बिहार के 8 जिलों में सबसे अधिक कोरोना के केस हैं। जी हां, बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक एक्टिव केस वाले 8 जिलों में पटना, जहानाबाद, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान एवं सारण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस, टेस्टिंग, टीकाकरण एवं अस्पताल में कोरोना को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं से संबंध में प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। जी, पटना, जहानाबाद, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान, सारण, मुंगेर, अरवल, शेखपुरा और शिवहर के जिलाधिकारियों ने कोरोना के अध्ययनता स्थिति से संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। वहीं अपने अपने जिलों में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या, वैक्सीनेशन कंटेनमेंट जोन एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में सभी जिलाधिकारियों ने जानकारी दी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला बोला है, यानी कि भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस धर्मों के बीच में नफरत फैलाना बंद करें, क्योंकि प्रेम सद्भावना से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस मुझसे क्यों चिढ़ते हैं, क्योंकि मैं सच्ची सनातनी हिंदू परंपराओं का पालन करता हूं। धर्म को बेचना बंद करो, धर्म के माध्यम से नफरत फैलाना बंद करो, धर्म को बांटना बंद करो, धर्म के आधार पर वोट मांगना बंद करो, देश और समाज को जोरो तोरो मत। उन्होंने आगे कहा है कि सनातन धर्म तो इतना व्यापक है कि वे पूरे विश्व को एक कुटुंब मानता है। हमारे उद्घोष में हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस से अपील करते हुए लिखा है कि मेरी भाजपा और आरएसएस से एक ही प्रार्थना है, धर्मों के बीच में नफरत फैलाना बंद करो, प्रेम सद्भाव भावना से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। दोस्तों, कई महीने में भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात और कम करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से भारत 36% कम तेल खरीदेगी। जी हां, मई महीने में भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात कम करने के फैसले किए हैं। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से भारत 36% कम तेल खरीदेगा। जी, भारत और सऊदी अरब के बीच का रार बढ़ता जा रहा है और सऊदी अरब की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत ने पूरा तैयारी कर ली है। जी हां, भारत ने साफ कर दिया है कि ये नया इंडिया है जो किसी के सामने नहीं झुकता है और जो दोस्ती में यकीन करता है, दादागिरी में नहीं। मोदी कार्यकाल में भारत और सऊदी अरब की दोस्ती काफी अच्छी रही है, लेकिन तेल को लेकर दोनों देशों में रार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर भारत ने सऊदी अरब को सबक सिखाने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। यह माना जा रहा है कि मई में भारत सऊदी अरब को बड़ा झटका देने जा रहा है। यह भारत दुनिया का वो तीसरा देश है जो सऊदी अरब से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तेल को लेकर जमकर खटपट हो रही है। भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय सऊदी अरब से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील की थी, ताकि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम की जा सके। ये लेकिन सऊदी अरब ने प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय क्रूड ऑयल की कीमत में और इजाफा कर दिया, ये जिसका असर भारत पर काफी ज्यादा होने वाला है। ये और अगले चंद दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में काफी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। लिहाजा भारत सरकार ने अब सऊदी अरब को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है।
दोस्तों बिहार में कोरोना का संक्रमण अब काफी तेजी के साथ बढ़ने लगा है। लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है जी, और कई नए नियम लागू कर दिए हैं। कोरोना का संक्रमण बिहार की जेलों में नहीं पहुंचे, इसके लिए वहां भी कई बदलाव किए जाने हैं जी। जेल में नए कैदियों के भेजे जाने की व्यवस्था पहले ही बदल दी गई थी जी। अब जेल में बंद कैदियों से मुलाकात की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है जी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदर्श केंद्र कारा ब्यूर समेत प्रदेश के यानी कि बिहार की सभी जेलों में कैदियों से आमने सामने मुलाकात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यह बिहार की जेलों में किसी भी परिस्थिति में कैदी से बाहरी व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे। इस संबंध में कारा महानिरीक्षक की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। हालांकि सौजन को नेशनल प्रिजन इंफॉर्मेशन पोर्टल पर जाकर ई मुलाकात की सुविधा मिलेगी जी हाँ, इसके लिए कैदी ऑनलाइन अनुमति लेंगे। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है जी। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर सभी विभाग ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके जी। समाज कल्याण विभाग भी सरकार के गाइडलाइंस पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग आंगनबाड़ी से जुड़े 1,17,06,000 लाभुक तक पहुंचेगी और सभी लाभुकों की स्क्रीनिंग होगी जी। इसके लिए सेविका और सहायिका डोर टू डोर घरों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। वही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का डिटेल्स अलग से बनाएगी जी हाँ। वही लाभुक सहित उनके घर में अगर कोई बीमार हो तो उसका पूरा डिटेल्स बनाकर LS और CDPO को देंगी जी हाँ। साथ ही बीमार को हॉस्पिटल तक जाने के सहयोग करेगी जी। इसको लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहीं तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।